जालौन के रामपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी टीम, सर्विस लांच टीम तथा रामपुरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दो मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें, 1 किलो 200 ग्राम गांजा, 1 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। साथ ही इनके द्वारा सिरसा कलार थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव से 2 दुकानों में चोरी किए गए सामान के रुपए भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इरफान पठान की रिपोर्ट। सर, रामपुरा थाना पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई है? आज रामपुरा पुलिस और एसओजी तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। जैसा कि आपने बताया कि चोरी की 7 मोटरसाइकिल हैं, तो क्या इन लोगों के पास से किसी और जगह से चोरी का कोई सामान बरामद किया गया? हाँ, इन्होंने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि इन्होंने नियामतपुर में 2 दुकानों से चोरी की थी और उसके सामान को बेच दिया था। उस चोरी में 2900 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं तथा तलाशी के दौरान इनके पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस और 1 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। मौके से एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। उसकी तलाश में क्या कार्रवाई है? टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही सफलता मिलेगी। क्या किसी गिरोह की आशंका है, वाहन चोर गिरोह की आशंका है? हाँ, ये संगठित वाहन चोर गिरोह है और इस पे अभी और भी खुलासे होंगे।